मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ हेडजी न्यूज में। आज जो मैं आपके लिए खबर लेके आई हूँ वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि एक हनुमान के भेष में एक युवक भीख मांग रहा था और उसके बाद जब उसकी असलियत सामने आई तब लोग भी हैरान हो गए और आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, क्यों सुर्खियों में बना हुआ है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। यूपी के बरेली से हमारे सामने ये मामला आ रहा है। गाइज, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन सा मामला है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे नॉर्थ साइड में ऐसे लोग देखे होंगे जो लोग भेष धारण करके, जो मतलब कि भगवानों के भेष धारण करके, हनुमान जी का भेष लगा के, फेस पे थोड़ा बहुत ऑरेंज वो करके, वो लोग गलियों में घूमते रहते हैं और लोगों से भीख मांगते रहते हैं। ये एक्चुअली एक तरह का अपमान भी है, जो भगवान का अपमान कर रहे हैं। भगवान भीख क्यों मांगेंगे? तो ऐसा ही एक मामला जो कि अपमान का भी है पर इसके पीछे कुछ और राज भी है, वो भी हमारे सामने आया है, जो कि बरेली से एक इंसान, जब एक युवक एक्चुअली गलियों में घूम रहा था, एक मोहल्ले में वो लगातार जा रहा था और लगातार जाने के बाद वहां के मोहल्ले के लोगों ने उसको नोटिस किया था और नोटिस करने के बाद एक दिन उसको धर दबोचा और उससे काफी ज्यादा पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद जो उसकी असलियत सामने आई, जो उसका नाम सामने आया, आप भी सुन के काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। उस शख्स का नाम है नासिम और वो मुरादाबाद का है। उसे खुद बताया कि वहां की जो झुग्गियां रहती हैं वहां पर वो अपनी पत्नी मुस्कान के साथ रहता है और ये सब चीजें वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए करता है। और एक मुस्लिम शख्स वो हनुमान जी का एक भेष धारण करने के बाद वो इधर उधर घूम रहा है और भीख मांग रहा है। तो क्या था, बस मंदिरों के जो संगठन होते हैं वो वहां पर पहुंच के और उस लड़के को काफी ज्यादा मारा पीटा और बातचीत की और बातचीत करने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। और संगठन ये चीज बोल रही है कि मुस्लिम धर्म गैर धर्म का जो शख्स है वो एक्चुअली यहाँ पर हनुमान जी का भेष धारण करके कैसे घूम सकता है, ये कुछ ना कुछ नॉलेज लेने के लिए आया था और वहां के मोहल्ले लोगों का कहना ये है। पर गाइज मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, मुस्लिम है या हिंदू है, वो धारण कर रहा है, रूप धारण कर रहा है, भीख मांग रहा है, पर ये क्या भीख मांगना क्या सही बात है? उस युवक के हाथ सही सलामत है, आंखें सही सलामत है, पूरा का पूरा इंसान वो सही सलामत है, उसमें क्या हिम्मत नहीं है क्या खुद काम करने की वो भीख मांग के? और तो और वो भगवान जी का, श्री हनुमान जी का अपमान कर रहा है। ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये हर एक उस इंसान का है जो हिंदू भी हो और फिर भी अगर भेष धारण करके भीख मांग रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई चलानी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि भगवान भीख नहीं मांगते, भगवान हमें देते हैं, हम उनसे उनको नहीं देते, हम अपनी श्रद्धा से बस 1-2 रुपया या 10 रुपया हम दे देते, इससे अच्छा तो भिखारी को खिला देना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें सब चीजें दी है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब चीजें रोकनी चाहिए? अगर कुछ भी आप लोगों को दिखाई देता है तो शायद आप समझा सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।